लोकशक्ति न्यूज नात विश्वासाच। और ये जब देश में इतनी सारी महंगाई चल रही है, इनको लाउड स्पीकर, इनको जात पात, इनको ये सब आता है, सिर्फ दिशा भूल करने के लिए ये सारी चीजें आती है। तो मैं बहुत बहुत दिल से गुजारिश करती हूँ कि इस टाइम आप किसी भी बहकावे में मत आइए। और इतनी साजिश होती है कि छोटे मोटे पार्टियां लाके कांग्रेस का जो वोट है ये डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जो ब्रिटिशों ने किया वही लोग अभी ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कांग्रेस को भूल जाते हैं और दूसरे पार्टी को मदद करते हैं तो मतलब आप मोदी जी के साजिश को मदद कर रहे हैं। ये अभी सोचने का वक्त आया है। बस इतना ही कहती हूँ, जितना आप उनको मदद करेंगे उतनी ही महंगाई बढ़ती जाएगी, जितना आप उनको मदद करेंगे उतनी बेरोजगारी बढ़ेगी। कभी मेरे माँ बहनों का सोचिए और वोट डालिए। अभी वो इलेक्शन नहीं है लेकिन जब भी आएंगे 3 महीने के बाद, मैं इतनी ही आपको तहे दिल से गुजारिश करती हूँ कि कांग्रेस को सचमुच जो ग्रास रूट पे काम करते हैं, चाहे वो वाहिद भाई हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं पता नहीं कि कौन कैंडिडेट होने वाला है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, जात पे ना पात पे सुनाई नहीं दे रहा है, शिवकुमार और 2-3 बार पे हो ना, जात पे ना पात पे पीछे वालों, ना जात पे ना पात पे लगाओ हाथ पे। नहीं नहीं, फिर भी नहीं सुन दे रहा, क्या शोर है इतना कि आज बिरयानी नहीं खाई। ना जात पे ना पात पे बोलो हाथ पे। तुम्हाला सांगते आणि वाहिद भाई आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया, जो आपने कांग्रेस पार्टी से लड़ाई की मेरे इलेक्शन में, वो मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ और ना साहब भूलने वाले हैं, हम सबको याद रहेगा और हम भी सब आपके साथ है। आपके माध्यम में से बहुत सारे गोर गरीबों का काम हो, ऐसे में दुआ करती हूँ और यहीं पे रुकती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।